हाय फ्रेंड, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल एनएल ब्रिक्स एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में आपको 30x40 1200 स्क्वायर फीट पर आगे जो फ्रंट पर जो एलिवेशन बन रहा है उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप मेरा सामने यहाँ पर देख सकते हैं, सामने जो काम चल रहा है यहाँ पर 30x40 1200 स्क्वायर फीट, इस पर जो आगे एलिवेशन पर जो काम चल रहा है इसके बारे में आपको मैं दिखाऊँगा। तो आइए चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो ऊपर वाली जो छत की जो लेफ्ट साइड एक रूम बना हुआ है उसकी छत को करीबन आधे फीट करीबन इसको बाहर लिया गया है ताकि एलिवेशन के साथ इसके डिज़ाइन को बनाया जा सके। और यहीं पर एक नीचे आपको एक बेडरूम दिखेगा। इस बेडरूम पे जो ईंट का जो काम किया गया है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 4 इंच को इसको बाहर लेते हुए किया गया है ताकि इस पर कोई सी भी डिज़ाइन वगैरह अपन डाल सके तो बहुत ही बढ़िया सी ये लगे। और इसके नीचे आप देखेंगे जो एक और छत डली हुई है इसको भी आप आधा फीट करीब में इसको भी बाहर लिया गया है और इसके नीचे एक दुकान को बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दुकान को बनाया गया है और आप देखेंगे यहाँ पर और ऊपर वाली जो छत को आधा फीट को अंदर लेते हुए बीच पर यहाँ आपको एक एरिया खाली दिख जाएगा और यहीं पर से जीना दिया गया है ऊपर वाले की ओर। तो यहाँ पर जब गैलरी वगैरह जो लगेगी उस पर जो डिज़ाइन आएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरी वाली छत पर जो सरिया को निकाला गया है इस पर पतली ईंट की बॉर्डर लगेगी झालर टाइप जो लगने के बाद दिखेगी बढ़िया सी। पतली ईंट की जो डिज़ाइन आती है वहाँ इस पर लगेगी। और इसके नीचे जो छत को आप देख सकते हैं डबल जो छत दी गई है ये मेन गेट की छत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्टा एल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर गिट्टी माल 4 इंच के करीबन इसको गिट्टी माल को दिया गया है और यहीं पर नीचे से बीम को दिया गया है। तो हल्का सा थोड़ा सा इसको तिरछा रखा गया है ताकि डिज़ाइन वगैरह पर ये बहुत ही बढ़िया सा दिखेगा। जब इस पर प्लास्टर वगैरह हो जाएगा, पुट्टी वगैरह हो जाएगी तो यहाँ एलिवेशन के साथ इसकी डिज़ाइन आएगी, इस टाइप से आपको दिखेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर छत के नीचे छत दी गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे साइड यहाँ पर ईंट का इस पर भी 4 इंच की ईंट को बाहर जुड़े होते हुए किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर और नीचे और इसके डीपीसी का माल देकर इस पर 4 इंच का डीपीसी दी गई है और ईंट के साथ इसका जुड़े के साथ इसका काम किया गया है। तो ये बॉक्स नुमा दिखेगी, इस पर लाइट वगैरह लग जाएगी तो रात में और भी अच्छी है दिखेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डीपीसी का साथ इसके साथ जुड़े की गई है और इस टाइप से आपको पूरा बनता हुआ यह नज़र आएगा। और इस यहाँ किस तरीके से बनाया जाएगा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। ये आपने देखा होगा जो ऊपर वाली छत को आधे फीट करीबन निकाला गया है तो यहाँ राफ्टर टाइप लग जाएंगे लोहे के और इसके नीचे दुकान। और आपने देखा होगा ये मेन जो गेट है इसको 4 इंच करीबन इसको गिट्टी माल दिया गया था छत के नीचे छत, तो इस टाइप से जुड़ी हो जाएगी और इस टाइप से इसकी मेन गेट लग जाएगा और इस टाइप से दिखेगा। और यहाँ कोने पे जो ईंट का काम किया गया है वहाँ इस टाइप से प्लास्टर होने के बाद इस टाइप से दिखेगा।